जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्लेयर्स का पिकअप भी आता दिख रहा है, लेकिन लीजिए ये वो चीज थी जो मैं नहीं चाहता था हो और अब हो चुकी था। इसका मतलब अब आपको कुछ बढ़िया राइवल रिजर्व शो होती दिखने वाली है। अभी ने अब टमाटर देना ही पड़ेगा कि आप उधर जाइए, मेरे जो खिलाड़ी है वो आपका वहां पे इंतजार करेंगे। और आया अभी के द्वारा कि हम पीछे हट रहे हैं, हमें जाए हम कंपाउंड की तरफ बढ़े क्योंकि यहाँ पर उनके पास नंबर का एडवांटेज है। स्टार्टिंग में दो खिलाड़ी को एलिमिनेट हुआ था, उसके कारण ये मैच उतना अच्छा जा नहीं पाया, बट जी गॉड सीधा आगे बढ़ चुके, स्लैम किया जा चुका है और पीछे से सपोर्ट करते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे जोनाथन, जो कि हमेशा करते हैं और ये जो कि मेरे अनुसार बेहतर रहेगा। जी गॉड फाइनली यहाँ पे पता लग चुका है कि एक खिलाड़ी का है, दो खिलाड़ी एक साथ जा रहे हैं। जी गॉड और क्लच गॉड का ये अटैक एनिग्मा के एक खिलाड़ी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा हैदराबाद हाइड्रास का, लेकिन ये जो बैटल चल रही है फिलहाल एनिग्मा गेमिंग और गॉडले के बीच में, यहाँ तो गॉडले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। एगी का भी यहाँ पर नॉकआउट हमें देखने को मिल जाएगा और देखते देखते दूसरा खिलाड़ी, दूसरी कैजुअल एनिग्मा गेमिंग यहाँ पर निकलती नजर आएगी। लेकिन बीचों बीच देखिए सर्कल की कौन सी टीम हमें नजर आ रही है, बाहर कर दिए केवल दो फिनिश पॉइंट के साथ। तो हैदराबाद हाइड्रास अपने जो रिवेंज की आप बात करें तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से ली गई है, बट नियो फिलहाल यहाँ पे पैन कर देंगे अभी को और ये जरूर से थोड़ा सा यहाँ पे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो कि हम हमेशा जानते हैं और बिल्कुल वही हमें देखने को मिल रहा है। रेक्स इकलौते रहेंगे और यहाँ से फॉल बैक करने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प इनके पास